Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover a new essay which is known as Recollections of Childhood and it is written by Richard Steele. So this essay actually remains on the fact that how a child shapes itself to reach the current stage and recollect his own childhood. So ye hame एक ऐसी कहानी बताता है, एक ऐसा फैक्ट बताता है कि किस तरह से बच्चा जो होता है वो अपने आप को शेप करता है, जिस करंट स्टेज में वो है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो उस शेपिंग में किस तरह का असर हमारे ऊपर डालती हैं. तो टू अ चाइल्ड हु इज सॉफ्ट इनफ टू बी इम्प्रेस्ड बाई एनी वन, द आउटर वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी सच दैट इट इज मियर इंटरेक्शन Either changes the future moods towards the good or the bad. तो क्या होता है, बचपना हमारा ऐसा होता है जो हमें इस वर्ल्ड में दो ही तरह की चीजों की तरफ जोड़ता है, या तो एक गुड होती है या दूसरी बैड होती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे वो हमें बताता है, अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर करते हुए हमें बताता है कि किस किस तरह के लोग हैं हमारी मैनकाइंड में और वो किस तरह की चीज़ें किया करते हैं और उन्हें वर्ल्ड से कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देयर आर दोज, तो यहाँ ये उन लोगों की बात करता है अमंग मैनकाइंड, जो हमारे जीवन मानव जीवन में जो भी लोग हैं, हु कैन एंजॉय नो रिलिश ऑफ देयर बीइंग, जो अपने आप के अस्तित्व को एंजॉय नहीं कर पाते. लाइक वो पैदा तो हुए हैं, इस दुनिया में हैं, लेकिन इस बात को वो एंजॉय नहीं कर पाते. एक्सेप्ट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ एक्वेंटेड विद ऑल द रिलेट्स टू देम, और वो उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं जो भी इस वर्ल्ड में उन्हें रिलेट करती हैं, यानी उनको साथ जोड़ती हैं, यानी दुनिया के अलावा सबके साथ जो भी उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनसे वो रिलेट करते हैं. एंड थिंक एवरी थिंग लॉस्ट दैट पासिस अनऑब्जर्व्ड, और जो सोचते हैं कि हर एक चीज़ जो खो जाती है वो गुजर गई होती है और उसका कोई हमारे जीवन में जो है उद्देश्य नहीं होता, वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती. तो राइटर यहाँ उन लोगों की बात करता है कि जो लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम दे फॉरगेट थिंग्स, उनके लिए बीती हुई चीज़ें, बीती हुई यादें, बीते हुए लोग कोई भी मायने नहीं रखते और वो उनको अनऑब्जर्व्ड यानी कि उनको बिना सोचे समझे भूल कर आगे बढ़ जाते हैं. अब दूसरे तरह के लोग कौन होते हैं, बट अदर्स फाइंड अ सॉलिड डिलाइट इन स्टीलिंग बाई द क्राउड एंड मॉडलिंग देयर लाइफ आफ्टर सच अ मैनर, लेकिन अदर्स जो दूसरे होते हैं फाइंड अ सॉलिड डिलाइट, उनको बहुत आनंद आता है स्टीलिंग बाई द क्राउड, कि वो ऐसी क्या करें, भीड़ से बच जाएं, उन लोगों से अलग हो जाएं जो उनके आसपास हैं, एंड मॉडलिंग देयर लाइफ आफ्टर सच अ मैनर, और अपने जीवन को इस तरह से वो मॉडल कर लें यानी चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें, एज इज मच अबव द एप्रोबेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ वल्गर. तो कहता है कि राइटर यहाँ कहता है कि जो चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, वो हम ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी या बुरी होती हैं, उन चीज़ों को कहता है कि वल्गर का मतलब यहाँ बुरे से आया है, कि उन चीज़ों की हम प्रैक्टिस ना करें जो कि ख़राब होती हैं. तो राइटर हमें यहाँ बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमें से जो ख़राब चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए अपनी लाइफ को शेप करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं. लाइफ बींग टू शॉर्ट टू गिव इंस्टांसिस ग्रेट इनफ ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप और गुडविल, राइटर कहता है हमारा जीवन जो है वो बहुत छोटा है जिसमें हम उदाहरणों को पकड़ पकड़ के बैठे, जिसमें हम अपनी ट्रू फ्रेंडशिप या अच्छे लोग जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए हम क्या करें, भूले नहीं. कहता है लाइफ इतनी छोटी है, उन लोगों को मत भूलो जो आपके लिए हमेशा अच्छे रहे हैं. सम सेजेस हैव थॉट इट पियस, पियस मीन्स होता है बहुत ही पवित्र. तो राइटर कहता है टू प्रिजर्व अ सर्टेन रेवरेंस फॉर द नेम्स ऑफ देयर डिसीज्ड फ्रेंड्स, कहता है कुछ ऐसे पवित्र लोग जो मर चुके हैं, जो आपके दोस्त थे, तो उनका रेवरेंस जो आदर है वो अपने जीवन में हमें कभी नहीं खोना चाहिए. तो उसका कहने का मतलब ये है कि हम अपने इस जीवन में, छोटे से जीवन में, उन लोगों को ना भूलें कि जो हमारे सच्चे दोस्त थे और अच्छे उदाहरण बने थे, हम उन लोगों को अपने साथ याद रखें, उन लोगों के नामों को अपने सच्चे सम्मान के लिए उनके साथ रखना हमारे लिए पवित्रता होगी.
दैट मीन्स वी शुड नेवर फॉरगेट देम, वी शुड ऑलवेज कीप देम इन आर रिमेम्बरेंस. हम उन्हें अपनी यादों में जोड़े रखना चाहिए जो हमारे लिए गुडविल रखते थे, जो अच्छा सोचते थे या जिनसे हमारी अच्छी मित्रता थी. एंड हैव विथड्रॉन देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट सर्टेन सीजन्स टू कमेमोरेट इन देयर ओन थॉट्स सच ऑफ देयर एक्वेंटेंस हु हैव गॉन बिफोर देम आउट ऑफ दिस लाइफ. और कहता है और कुछ निश्चित मौसमों में अपने आप को बाकी दुनिया से हटा लेते हैं, अपने खुद के विचारों में अपने परिचितों को याद करने के लिए जो उनसे पहले जा चुके हैं उनकी अपनी जिंदगी में. तो राइटर कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, विड्रॉन मीन्स अलग करने ना फ्रॉम देमसेल्स, अपने आप को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो अकेले में अपना टाइम गुजारना चाहते हैं एट सर्टेन सीजन्स. और वो कुछ ही समय ऐसे होते हैं, कुछ ही जो लाइफ के कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं, सीजन्स का मतलब यहाँ कुछ मौक़ों से है, ऐसे होते हैं टू कमेमोरेट इन देयर ओन थॉट्स, तब वो अपने विचारों से बाहर आएँ सच ऑफ देयर अक्वेंटेंस, और उन लोगों से मिले जो उनके जानने वाले होते हैं, हु हैव गॉन बिफोर देम आउट ऑफ दिस लाइफ, जो उनके जीवन से पहले उनसे जा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में आने से पहले वो गुजर चुके हैं. तो राइटर कहता है उन लोगों को भी मत भूलो जो आपकी ज़िंदगी में आपके जान पहचान वाले थे और वो गुजर चुके हैं. लाइक हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ इस दुनिया में रह चुके हैं और जिनके बारे में हम अपने दूसरे लोगों से जानते हैं या वो हमारे परिचित रह चुके हैं. तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, हमने देखा कि जो हमारा राइटर है वो कहता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं जो उनसे ही रिलेट करती हैं या जुड़ी हुई हैं, और जो चीज़ उनके बिना गुजर गई है यानी जिन चीज़ों का उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो उनको अपने आप से रिलेट नहीं करते या उन्हें वो अपने आप से बिल्कुल अलग समझते हैं. और कहता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भीड़ में रहते हैं और लोगों से मिलने जुलने में उन्हें मज़ा आता है और अपने जीवन को अच्छे से ढाल लेते हैं, लेकिन कहता है कुछ लोग जो होते हैं वो बुरे तरीके से बिल्कुल अलग होते हैं. और लोग कहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराइयों से दूर रहते हैं और अपने उन लोगों को याद करते हैं जो लाइफ में उन्हें मिले थे, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या जिनसे उनके साथ उनकी अच्छी गुडविल रही हो या जो उनके एक्वेंटेंस यानी जानने पहचानने वाले हों और वो उन्हें याद रखते हैं. तो राइटर कैसा कहता है कि ऐसे वाले लोग उसे बहुत पसंद हैं जो अपने पुराने लोगों को नहीं भूलते. आइए आगे देखते हैं. एंड इंडीड व्हेन वी आर एडवांस्ड इन इयर्स देयर इज नॉट अ मोर प्लीजिंग एंटरटेनमेंट देन टू रिकलेक्ट इन अ ग्लूमी मोमेंट दैट वी मैनी वी हैव पार्टेड विद. कहता है और इंडीड मीन्स होता है वास्तव में. वास्तव में कहता है कि व्हेन वी आर एडवांस्ड इन इयर्स, जब हम इन सालों में उम्र में बड़े हो चुके होते हैं, देर इज़ नॉट अ मोर प्लीजिंग एंटरटेनमेंट, तो कहता है इससे ज़्यादा और खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती दैन टू रिकलेक्ट इन अ ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स होते हैं दुख भरे गमगीन. मोमेंट मीन्स क्षण. दैट मैनी वी हैव पार्टेड विद. पार्टेड विद का मतलब होता है उनसे जुदा होना. कहता है लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्षण हैं जिसमें हम अपने प्यारों से जुदा हो चुके होते हैं. That have been dear and agreeable to us, जो हमारे लिए बहुत near and dear, यानी हमारे करीबी लोग हुआ करते हैं, उनसे हमें, क्योंकि मृत्यु सबको आती है तो उनसे हमारा जुदा होना एक स्वाभाविक सी बात है और हम उनसे जुदा हो जाते हैं. कहता है एंड टू कास्ट अ melancholy में सोदाता है उदासी thought or to after those with whom perhaps we have indulged ourselves in our whole nights of mirth and jollity. mirth and jollity means होता है खुशी. कहता है लेकिन ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में आए थे, जिनके साथ हमने अपना अच्छा टाइम गुजारा, और जब वो हमसे जुदा हो जाते हैं, हमारे साथ नहीं रहते, तो ऐसे लोगों को हम याद करने में बहुत उदास हो जाते हैं. तो वो राइटर उन्हीं लोगों की बात करता है जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं और लास्ट में वो हमारे साथ नहीं होते. जब हम उन्हें लूज करते हैं तो वो पार्टीशन का दुख बहुत बुरा होता है. With such inclinations in my heart, कहता है ऐसी ही इच्छाओं के साथ जो मेरे मन में हैं, I went to my closet yesterday, मैं अपनी अलमारी के पास गया. In the evening and resolved to be sorrowful, और मुझे लगा, मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं क्या हो जाऊँगा, दुखी हो जाऊँगा. Upon which occasion I could not but look with disdain upon myself. तो यहाँ ये बात कर रहा है एक ऐसे दुख की जो उसे हुआ था अपनी लाइफ में. कहता है मैं दुखी नहीं हुआ था लेकिन मैं उसे देख रहा था
और मैं डिसडेन अपॉन माई सेल्फ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने ऊपर किस तरह का रिएक्ट करूं। तो राइटर कहता है कि मैंने सोच लिया कि अब मैं जो है दुखी होने जा रहा हूं, दैट दो ऑल द रीजंस विच आई हैड टू लैमेंट द लॉस ऑफ माई मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो कहता है अब मैं किसे याद करूंगा, मैं इस मौके पर दुखी नहीं हो सका था तब जब वो सब मेरे साथ से खो गए थे, लेकिन आज कहता है मेरा दिल जो है वो उनके लिए दुखी हो रहा है। और मैं अपने उन दोस्तों की चीज़ों को अपनी कवर्ड से निकाल के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उन्हें खो दिया है और आज मैं उनके खो जाने पर दुखी हूँ। तो राइटर यहाँ बताता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बचपन में लूज कर देते हैं। कहता है तो मुझे ऐसे दोस्त जो मेरे लाइफ में चले गए, मुझे उनका भी जाने का दुख है, जो दुख शायद समय के साथ कम होता जा रहा है, आर नाउ एज फोर्सिबल एज एट द मोमेंट ऑफ देयर डिपार्चर। कहता है अब उतना नहीं रहा जब वो ख़त्म हुए थे, जब वो मुझसे जुदा हुए थे तब वो दुख था। तो हमें मालूम है कि टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर रखता है, वो हमें हील करता है, हमारा इलाज करता है और हमें चीज़ें भूलने पर मजबूर करता है। अगर ऐसा ना हो तो हम पागल हो सकते हैं। तो राइटर हमें यहाँ टाइम की जो है वैल्यू बताता है कि इट इज़ अ हीलिंग ऑइंटमेंट एंड इट हेल्प्स अस टू रिमूव द फियर एंड द बैड मेमोरीज ऑफ आर लाइफ। कहता है येट डिड नॉट माई हार्ट स्वेल विद द सेम सोरो। कहता है क्योंकि टाइम गुजर चुका इसलिए वो दुख जो उनके जुदा होने के समय मुझे हुआ था, सेम तरह का दुख अब मेरे दिल में नहीं होता, बट स्टिल मैं उन्हें मिस करता हूँ, मैंने उन्हें क्योंकि मैंने उन्हें खो दिया था। कहता है वो मेरे सब अच्छे दोस्त रहे थे, विच आई फेल्ट एट दैट टाइम, और उस समय मैं उनके लिए बहुत दुखी था, बट आई कुड विदाउट टीयर्स रिफ्लेक्ट अपॉन मैनी प्लीजिंग एडवेंचर्स। कहता है लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं बिना आंसू बहाए उन एडवेंचर्स को याद करता हूँ जो मेरी लाइफ में उनके साथ हुआ करते थे, यानी मैंने उनके साथ एक अच्छा टाइम पास किया था। तो यहाँ राइटर हमें बताता है कि वो जब अपने बचपने में वापस झांकता है तो वो देखता है कि वो अपने दोस्तों को मिस करता है जो उसकी लाइफ में चले गए हैं, जो उसकी लाइफ में उसके साथ अब नहीं है। I had with some who have long been blended with common earth। कहता है इसी common earth पे हम सब साथ साथ रहते थे, मैं उन्हें अभी miss करता हूँ, उनके वो adventures को जो उन्होंने मेरे साथ बचपन में किए थे। दो, it is by the benefit of nature that length of time thus blots out the violence of afflictions। कहता है कोई भी जो हमारी बुरी यादें होती हैं ये nature का benefit है कि हम वो जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उन चीज़ों को भूलते जाते हैं। येट विथ टेम्पर्स टू मच गिवन टू प्लेजर इट इज़ ऑलमोस्ट नेसेसरी टू रिसीव द ओल्ड प्लेसेस ऑफ ग्रीफ इन आर मेमोरी। कहता है जब जब हम बहुत खुश हों तो हम ऐसा नहीं करें कि हम अपनी मेमोरी को जो हमारी पास्ट है उसको हम वो जो ग्रीफ हमें दुख हुए थे उन्हें हम भूल जाएं। हमें दोनों चीज़ों को याद रखना चाहिए, अपने सुखद लम्हे और अपने दुख भरे दिन, जो मेमोरीज हैं उन्हें भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे नियर और डियर थे। एंड पॉन्डर स्टेप बाय स्टेप ऑन पास्ट लाइफ टू लीड द माइंड इनटू द सॉब्रिटी ऑफ थॉट विच पॉइजेस द हार्ट एंड मेक्स इट वीद विद द ड्यू टाइम विदाउट बीइंग क्विकेंड विद डिजायर और retarded with despair। Despair means होता है निराशा। तो राइटर कहता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे जगह पर अपने पैरों को इधर उधर नहीं क्या करना चाहिए, हमें अपने स्टेप को जो है अपनी पास्ट लाइफ के जो स्टेप हैं उनको आगे पीछे नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, और हमें अपने माइंड को बहुत अच्छे से लीड करना चाहिए एक ऐसे थॉट्स के साथ जिसमें हमारा हार्ट, हमारी जो आत्मा है वो टाइम के साथ, गुजरते हुए वक्त के साथ वो सारी चीज़ों को ना भूले जो हमने हमारी कभी इच्छाएं हुआ करती थीं और जो कभी निराशाओं में बदल गई थी एक टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट चेंज्ड ईयर बाय ईयर। सच थॉट आई शेल बी माई मेथड दिस इवनिंग एंड सिंस इट इज़ दैट डे ऑफ द ईयर विच आई डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ सच इन अनदर लाइफ एज मच आई डिलाइटेड इन। तो राइटर कहता है उन्हीं विचारों में से आज शाम मैंने सोच लिया कि मैं ये शाम जो है उन्हीं यादों के नाम डेडिकेट कर दूंगा जो मेरे पास्ट में हुआ करती थी और जिन्होंने मुझे पास्ट में डिलाइट यानी प्रसन्न किया था, खुश किया था। इन व्हेन लिविंग एन आर और टू शेल बी
sacred to sorrow and their memory while I run over all the melancholy circumstances of this kind which have occurred to me in my whole life. कहता है और उन घंटों में, एक या दो घंटों में, मैं वो पवित्र दुखों के छड़ों को, जो मेरी मेमोरी, जो मेरी यादें हैं, अगर मैं उन पे रन ओवर करूं, यानी उन सबको वापस से सोचूं, तो मुझे क्या उदासी, वो सरकमस्टांसेस याद आ जाती हैं, वो परिस्थितियां जिनमें मेरा मन उदास होता था. ऑफ दिस काइंड विच हैव अकर्ड टू मी इन माई होल लाइफ, और उस तरह की सभी यादें, सभी दुखद यादें जो मेरे पास्ट से जुड़ी हुई हैं, वो मुझे सब चीज़ें अब याद आ जाती हैं. कहता है मैं उन चीज़ों को जो बचपन में मेरा दिमाग किसी तरह से ग्रहण कर लेता था, उन सब चीज़ों को वो क्या हो गई हैं, अब मुझे कहीं ना कहीं याद आने लगी हैं. मैं उन चीज़ों को, अपने आप को नहीं भुला पाता, वो मेरे पास कहीं ना कहीं से वापस मेरे अंदर आ जाती हैं. द फर्स्ट सेंस ऑफ सोरो आई एवर न्यू वॉज अपॉन द डेथ ऑफ माई फादर. अब यहाँ बात करता है वो अपने फादर की डेथ की. कहता है अब मैं बताता हूँ आपको इस बारे में कि मेरे फादर जो थे उनकी डेथ हुई थी और वो मेरे लिए एक दुखद लम्हा था. तो वो हमसे, क्योंकि अपने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ वो सब लोगों की डेथ को डिस्कस करेगा जो कि उसकी लाइफ में नियर एंड डियर वंस थे. तो पहले हमें पापा की बात बताता है. एट विच टाइम आई वॉज नॉट क्वाइट 5 years ऑफ एज. कहता है मेरी उम्र कितनी थी, 5 years भी नहीं थी, सॉरी, बट वॉज रादर अमेज्ड एट वॉट ऑल द हाउस मेंट. और मुझे, कहता है, मैं आश्चर्यचकित था कि इस घर का क्या मतलब है. देन पॉजेस्ड विद अ रियल अंडरस्टैंडिंग वाई नोबडी वॉज विलिंग टू प्ले विद मी. और मुझे समझ नहीं आता था कि कोई मेरे साथ खेलना क्यों नहीं चाहता. तो वो एक नन्ही एज थी, वो एक टेंडर एज थी, जहाँ वो उन चीज़ों को रिकलेक्ट करता है कि उसे समझ नहीं आता था ये सब उसके साथ क्यों हुआ. आई रिमेंबर आई वेंट इन टू द रूम वेयर हिज बॉडी ले एंड माई मदर सैट वीपिंग अलोन बाई इट. और मुझे याद है उस रूम में मैं गया था जब मेरे डैडी की डेथ हुई थी, उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई थी और मेरी मदर वहीं बैठी हुई अलोन, वो क्राई, यानी रो रही थी. आई हैड माई बेटलडम डोर इन माई हैंड एंड फेल आ बीटिंग द कॉफिन एंड कॉलिंग पापा फॉर आई न्यू नॉट हाउ आई हैड सम स्लाइट आइडिया दैट ही वॉज लॉक्ड अप देयर. और कहता है मुझे पता नहीं था कि वो उसके अंदर लॉक्ड अप है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है और अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन तब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था. उसके बावजूद भी मैं उसे पापा कहकर बुला रहा था. सो दिस इज द, यू नो, दैट सैड मोमेंट ऑफ हिज लाइफ विच इज शेयरिंग विद अस एंड टेलिंग दैट दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ दैट ही वुड लाइक टू रिकलेक्ट ऑल द टाइम दैट ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वॉज जस्ट 5 years ओल्ड. I had some slight idea that he was locked up there. Yeah. My mother cast me in her arms and transported beyond all patience of the silent grief. तो वो यहाँ silent grief क्यों कहता है? क्योंकि उस समय उसको समझ नहीं आया उसकी माँ कितनी दुखी रही होगी अंदर से. उसने क्या किया, मुझे हग किया, यानी मुझे पकड़ के अपने पूरे पेशेंस के साथ मुझे हग किया, गले लगाया. She was before in. She almost smothered me in her embraces. और हमेशा मुझे गले लगाने में उसने मुझे सांत्वना दी. And told me in a flood of tears. और उसकी बहुत सारे आंसू मैंने देखे. मुझे याद आता है वो बचपन का दिन जब मैंने उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ देखी. Papa could not hear me and would play with me no more. और उसने मुझे ये words बोले कि अब तुम्हारे पापा जो हैं वो तुम्हें नहीं देख सकते, वो तुम्हें नहीं, तुम उनसे नहीं मिल सकते और वो अब यहाँ पर नहीं हैं. तो here he tells that people feel a great sense of loss on the untimely and unhappy death of a young man and woman. So for many people life is a burden, yet one feels sorry with death takes away the burden of life. So here he tells that when he loses his father, he is filled with pity and he is filled with grief. For they were going to put him underground. और वो उसके बाद याद करता है वो दिन जब उसके पापा को दफना दिया गया. Whence he could never come to us again. और उसके बाद वो कहता है वो दोबारा हमारे पास नहीं आए. अब वो बात करता है she was a very beautiful woman of a noble spirit. अब ये अपनी माँ की बात करता है कि वो औरत कैसी थी. उसके अंदर बहुत अच्छी आत्मा थी. वो मेरी माँ जो थी वो नोबल स्पिरिट वाली थी. एंड देर वॉज अ डिग्निटी इन हर ग्रीफ अमिडस्ट ऑल द वाइल्डनेस ऑफ हर ट्रांसपोर्ट. कहता है जो भी बदलाव आए उसके लाइफ में उसके बाद भी वो कैसी थी, दुखों से भरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी डिग्निटी को नहीं खोया. विच मी थॉट स्ट्रक मी
विद एन इंस्टिंक्ट ऑफ सॉरोथ, कहता है राइटर कि अब मुझे जब याद आती हैं वो चीज़ें तो मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मैं अपने आप को किस में बंधा महसूस करता हूँ, दुखों में घिरा महसूस करता हूँ। दैट बिफोर आई वॉज सेंसिबल ऑफ वॉट इट वॉज टू ग्रीव सीज माई वेरी सोल एंड हैज मेड द पिटी द वीकनेस ऑफ माई हार्ट एवर सिंस। तो राइटर कहता है अब मुझे समझ में आता है कि दुख क्या होता है, उसने मेरी आत्मा को अब जकड़ा है, तब नहीं, क्योंकि तब मेरी एज उतनी नहीं थी कि मेरे साथ मुझे ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें या समझ आएँ। एंड हैज़ मेड पिटी द वीकनेस ऑफ माई हार्ट एवर सिंस, कहता है तब से अब मुझे समझ में आता है कि जो वीकनेस मेरे हार्ट की है वो अब मुझे समझ में आती है कि क्या है, कि मैं दुखों को अभी तक नहीं भूला। द माइंड इन इन्फेंसी इज मी थिंग्स लाइक द बॉडी इन एम्ब्रायो। तो यहाँ राइटर क्या कहता है, इफ अ बर्थ मार्क डेवलप्स ऑन अ बेबी इन द मदर्स वोम्ब इट कैन नॉट बी रिमूव आफ्टर द बेबी इज बोर्न। सिमिलरली वंस माइंड इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसेस, सच एक्सपीरियंसेस आर हार्ड टू रिमूव इवन वेन ग्रोज अप। तो राइटर यहाँ कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी पर कोई निशान होता है जो हमारी माँ के पेट से ही हमें मिलता है, तो हम बड़े हो जाते हैं और वो रिमार्क हमारे साथ ही रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। कहता है कुछ इसी तरह के दुख जो होते हैं वो हमारी लाइफ को, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को बहुत बुरी तरह से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम अपनी लाइफ से कभी भी नहीं भुला सकते। एंड रिसीव्स इम्प्रेशन सो फोर्सिबल दैट दे आर एज हार्ड टू बी रिमूव बाई रीजन। देखिए यहाँ वो ये कहता है कि हम उनको रिमूव नहीं कर सकते। एज एनी मार्क विद अ चाइल्ड इज बोर्न इज टू बी टेकन अवे बाई एनी फ्यूचर एप्लीकेशन। कहता है आप कुछ भी कर लें, जो आप पैदा हुए और आपकी बॉडी पे जो निशान, जो आपका बर्थ मार्क है, जो किसी भी तरह से आप उसको नहीं हटा सकते, ठीक इसी तरह से आप यादों को भी अपनी लाइफ से नहीं खुरेच सकते। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो आपके जीवन में आगे चलती जाती हैं। हेंस इट इज़ दैट गुड नेचर इन मी इज़ नो मेरिट बट हैविंग बीन सो फ्रीक्वेंटली ओवरवेलम्ड विद हर टीयर्स बिफोर आई न्यू द कॉज ऑफ एनी एफ्लिक्शन। राइटर कहता है कि हाँ मुझे याद है कि जो मेरे, वो यहाँ पर कहता है कि वो क्वालिटीज़ जो हैं उसने इनहेरिट की थी, पिटी की, जेंटलनेस की अपनी मदर से, ये क्वालिटी जो है वो प्रैक्टिकली बेनिफिशियल नहीं है इस वर्ल्ड में, क्योंकि इतना ज़्यादा काइंड होना भी मतलब चीटेड हो जाना है, लोग इन चीज़ों से आपको चीट करके चले जाते हैं। हेंस इट इज़, फिर भी ये है, दैट गुड नेचर इज मी इज नो मेरिट, कि मेरा जो स्वभाव है जो अच्छा है वो मेरी मेरिट नहीं है, या मेरी जो है डीमेरिट है, यानी मेरा ये गुण नहीं अवगुण है। बट हैविंग बीन सो फ्रीक्वेंटली ओवरवेलम्ड विद हर टीयर्स, तो कहता है मैं उसके दो आंसुओं से बहुत जल्दी दुखी हो जाता था, दुख से भर जाता था, बिफोर आई न्यू द कॉज ऑफ एनी एफ्लिक्शन, और मुझे तब एफ्लिक्शन का, इस सब चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आता था, और कुड ड्रॉ डिफेंसेस फ्रॉम माई ओन जजमेंट, आई इम्बाइब्ड कमिश्रेशन रिमोर्स एंड अनमैनली जेंटलनेस ऑफ माई माइंड। तो राइटर कहता है कि यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये जो है हमें जेंटल और काइंड हार्ट के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जेंटलनेस जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी पास्ट की मेमोरीज से जो है क्या हो सके, रिलीव हो सके, आज़ाद हो सके। तो राइटर यहाँ बताता है कि सबको दुख होता है और सबके अंदर काइंड हार्ट नहीं होता, लेकिन आजकल के टाइम में काइंड हार्टेड लोगों को भी लोग चीट कर जाते हैं। विच हैज सिंस इंसनेर्ड मी इंटू 10,000 कैलामिटीज। इंसनेर्ड मीन्स होता है ट्रैप हो जाना, जकड़ लेना। कहता है ऐसा लगता है जैसे कि 10,000 कैलामिटी एकदम नेचुरल जो डिजास्टर्स होती हैं 10,000 हैं, उन्होंने मुझे जकड़ रखा है। एंड फ्रॉम वेंस आई कैन रीप नो एडवांटेज एक्सेप्ट इट बी दैट इन सच अ ह्यूमर एज आई एम नाउ इन। कहता है और इससे मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिली, मेरे काइंड हार्टेड होने से मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिली। और कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है ये भी एक ह्यूमर है जिसमें कि मैं अब फंसा हुआ हूँ। आई कैन द बेटर इंडल्ज माई सेल्फ इन द सॉफ्टनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन कहता है तो क्या हुआ, मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, इस ह्यूमैनिटी की सॉफ्टनेस को अपने अंदर फील कर सकता हूँ, या मैं उससे स्वाभाविक रूप से जुड़ा रह सकता हूँ। तो राइटर हमें कहता है कि सॉफ्ट हार्टेड होना या काइंड हार्टेड होना कोई दुर्गुण नहीं है, इसे अपनाना चाहिए।
and enjoy that sweet anxiety which arises from the memory of the past affliction. और कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो मेरे पुरानी memories हैं और जो sweet anxiety है, जो मेरी छोटी छोटी मीठी मीठी जो मेरी यादें हैं जो मुझे आज भी दुखी कर जाती हैं, तो उन पास्ट एफ्लिक्शंस को उनको मुझे वापस से भूलना नहीं चाहिए, वही मेरी रियल ट्रेजर हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल कवर टिल हियर. इन पार्ट टू आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग एसे. आई होप यू लाइक द वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. विल सून मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. टेक केयर.